सुबह सचिन पायलट के समर्थन में वेद प्रकाश सोलंकी ने दहाड़ क्या मारी, शाम तक उन पर मुकदमा भी हो गया। अटकलें अब यही लगाई जा रही हैं कि यह नतीजा उसी ललकार का है जिसमें उन्होंने खुले मंच से मुख्यमंत्री गहलोत को ललकारा था। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। 15-15 करोड़ की बात कर रहे हो, आप बता दो कि पायलट साहब को मुख्यमंत्री कब बनाओगे? हम दे देंगे, ये जनता सब कुछ देना चाहती है आपके लिए, तन मन और धन देना चाहती है। इनकी परीक्षा ज्यादा मत लो पायलट साहब, समय मजबूत होता है और ये चेहरे की चमक भी समय के अनुसार होती है। जिस चेहरे की चमक से हम जीत के आए उसको फीका नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं अगर आपका चेहरा नहीं होता तो मैं विधायक नहीं होता। तो ऐसे चेहरे को कुर्बानी नहीं देने देंगे, किसी भी कीमत पे कुर्बानी आपकी नहीं देने देंगे। अब सचिन पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो गया है और इसके बाद विधायक ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर साजिश का आरोप लगा दिया है। सोलंकी ने कहा कि अशोक गहलोत पहले गांधीवादी थे लेकिन समय के चक्र ने उन्हें बदल कर रख दिया। ऐसी छोटी छोटी हरकतों से कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी लेकिन फिर भी ऐसे 10 मामले दर्ज होंगे तो भी वो सचिन पायलट के समर्थक ही रहेंगे। ऐसे मुकदमों से सरकार डराना चाहती है तो डरने वाले नहीं है। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बताया कि जब से सचिन पायलट की यात्रा शुरू हुई तभी से आभास लग रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा होगा ताकि यात्रा सफल न हो, लेकिन इस तरह के मुकदमे करवाकर गहलोत सरकार यदि डराने का काम कर रही है तो हम डरने वाले नहीं है। बिना किसी जांच के सीधी विधायक पर FIR दर्ज हो जाती है और मुकदमा करवाने वालों के मोबाइल अब बंद आ रहे हैं, जबकि जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम से है और मैंने नितेश अग्रवाल के जरिए जमीन खरीदी है। 30 लाख रुपए का चेक महिला को दिया है और वो उसने बैंक में लगाया ही नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? इससे आभास होता है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है और इसी के तहत ये काम हो रहे हैं। ऐसे में बड़ी जांच एजेंसियों से मामले की जाँच करवा कर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया कि ये लोग सिर्फ बदनामी करवा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके पीछे कौन है, इसके इशारों पर सब कुछ हो रहा है, ये जांच का विषय है। जबकि उन्होंने जो 4 साल पहले प्रतापनगर थाने में मुकदमे करवाए उनमें आज तक निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसे में संदेह है कि यह सब कुछ चलाकर किया जा रहा है और सचिन पायलट और उनके समर्थकों को बदनाम करने की साजिशें हैं जिसकी जांच होनी ही चाहिए। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि वो हमें कितने भी निशाने पर ले लें लेकिन उनका निशाना सिर्फ सचिन पायलट ही रहेंगे। ऐसे कितने भी निशाने आ जाएं उनका निशाना चुकने वाला नहीं है, पायलट साहब के साथ थे और हमेशा रहेंगे। ऐसे 10 मुकदमे हो जाएंगे तब भी पायलट साहब को नहीं छोड़ेंगे। सोलंकी ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि यदि कोई प्रकरण भी बनाना है तो मजबूत कागजात और तथ्यों के साथ बनाओ, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे काम भी करवा सकते हैं। ऐसे झूठे मुकदमों से सिर्फ बदनाम करवा सकते हैं और इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। FIR बिना किसी संरक्षण के संभव नहीं है क्योंकि जो स्थिति पहले थी अब वो नहीं है। अशोक गहलोत बहुत सरल व्यक्ति थे लेकिन बदलती परिस्थितियों में वो बदल गए। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से पार्टी कमजोर होगी।